शशि यादव के साथ। बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, उस मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव है बहुत प्यारा गांव जिनका नाम है गरखा। तो हम पहुंच चुके हैं इस गांव में और यहां के लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। और कई पार्टियों के नेता आते हैं और एक झूठा वादा करके चले जाते हैं। हो गया सर जी, एक बार फिर से बुदबुदाएल ना जाओ। कहे हम देखबे ना कहीं कहा तनि काहे करिया करिया होता है बन उलक आवल ना जाओ। काहे के लिए आते हैं, झाट उखाड़ने के लिए आते हैं। वो कैमरा नहीं हो रहा आपसे, आप बतियाइएगा, आप कैमरा मैन बनिएगा। सुनिए ना, तो मुँह संभाल के बात कीजिए, समझे? बोलने वाले का लूर नहीं है, रिपोर्टर बन गए हैं। कैमरा वाला कहीं पटा पटा के चल जाएंगे, इतना नहीं खुला तो कथी होगा, खुलता गया हमारा अपने खेतों से हम कमा लेते हैं। बुला के लिए प्यार से आता के करिया रहे हैं। अच्छा चलिए, आप गुस्साइए मत, चलिए फिर से कैमरा कीजिए, फिर से लेते हैं क्लिप। आइए आइए, उठाइए कैमरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं हूँ मणि मिराज, कैमरा मैन शशि यादव के साथ। बिहार के एक मुजफ्फरपुर जिले में हम लोग पहुँच चुके हैं, जिस जिले में एक गांव है बहुत प्यारा गांव गरखा। इस गांव का हालात आप लोग देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़राब है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं और कुछ लोगों से बात कराते हैं। तो कैमरा मैन आप फोकस कीजिए लगातार इस भाई पर। तो भाई साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप इसी गाँव के हैं। थोड़ा बुझा नहीं रहा है। नहीं मतलब बुझा रहा है, मतलब आपसे पूछे हैं कि आप इसी गाँव से हैं। हाँ। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ डायरेक्ट, है ना? तो कई पार्टियों के नेता आते हैं और आपके गांव में बहुत सारे वादा करके चले जाते हैं, लेकिन इस गांव में विकास नहीं हुआ और यहां सिर्फ मरई है, एक छत नहीं आप लोगों के पास। तो सीधा सवाल सरकार से है, ये सरकार है, आप सवाल कीजिए सरकार से। अरे क्या हुआ भाई साहब, बोलिए सरकार को कुछ। अच्छा साला ये बस सरकार, अच्छा तो तू बड़े सरकार कार्यशाला भोटोले ले लोड़ी कमकाने कर ले। अब भाई साहब, अरे सरकार थोड़ी है, अरे तो कैमरा मैन है, आप इसमें बोलिए कैमरा में, सरकार तक पहुंचेगी, सीधे बोलिए कैमरा में। हेलो 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 सर, हाँ बोलिए। अरे भाई साहब, अरे कैमरा कुछ नहीं बोलेगा, आपको जो बोला है सब बोलिए, यहाँ पे सरकार सुन लेगी आपकी बात। हाँ हमारा गधा समझ ले बारा, जो बोल के फंसे जाई। अरे भाई साहब, आपको जो बोला है बोलिए, सरकार सुन लेगी, आपका काम करेगी, सुनेगी तो। जब अगला आदमी बोले तब ना हम बोलेंगे। अरे अगला कुछ नहीं बोलेगा, जो बोला है आपको बोलना है। ओ चौथू समझ ले बारा, हम बोल के फंस जाई, बिहान बेला सरकारवा आई गार में बांस करके ले जाई जेल टेलैया करी, तो तू आईबा बचावे लबरई के बाजार के ले बारा। अरे भाई साहब, आप सरकार को कुछ भी बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, आप वोटर है, आप वोट दिए सरकार को, बोलिए। हमको कुछ नहीं बोलना है, हम गरीब आदमी है, सब सरकार जिंदाबाद है, जाइए यहाँ से। ओ सर चलिए यहाँ से, कथी ऐसे आदमी से पूछ रहे हैं, ये सब खाली मीट भात खाने के फेर में रहता है। चलिए कथी पूछते हैं बहुमास आदमी से, सरकार बोले हैं तो हमको मारने लगा है, बताइए। हाथे मार रहा था तो ठीक है, कहीं लतियाने लगता हमको तब। अरे शशि जी, हम तो बोले हैं सरकार से पूछिए, कैमरा को बोले हैं, हमको क्या पता है कि आपको मारने लगेगा, चलिए आगे। तो ये रहा गारखा, यहाँ के लोगों को मैं बात समझाया लेकिन समझ नहीं पाए, सरकार का नाम लेते ही सरकार पर टूट पड़े, यानी कि समझ लीजिए अगर सरकार होती सामने तो उसको क्या करते मैं नहीं जानता, आप लोग बता सकते हैं, यहाँ का काम देखकर आप लोग बता सकते हैं। कैमरामैन कैमरा घुमाइए थोड़ा, यहाँ का आप लोग हालात देख लीजिए, एक भी ईटा का घर नहीं है, सब टाटी मरई है। कैमरामैन शशि यादव के साथ मणि मिराज, मुजफ्फरपुर बिहार। हेलो नमस्कार, आदाब सलाम, फिर से आप सबको कल तक भोजपुरी में स्वागत है। हम गारखा से सीधे वैशाली जिला के एक भोसरीपुर में पहुंच चुके हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं भोसरी वाले चाचा, और भोसरी वाले चाचा से सीधा सवाल रहेगा चुनाव पे और सरकार के कामकाज पे। तो भोसरी वाले चाचा, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे हम। झींगा सानी। बहुत अच्छे झींगा सानी जी, चलिए सीधा सरकार के कामकाज पे बात करते हैं। कैमरा मैन चलिए झींगा सानी पे कैमरा का फोकस लगाइए, और झींगा सानी जी सबसे पहले आप बताइए कि आपके मोहल्ले में नल जल का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं नहीं लगा है। अरे आप सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं झींगा सानी जी, हम तो पूरे रास्ता में देखते हैं कि नल जल का पूरा काम हुआ है, नल लगा हुआ है। लगने से होगा कि नल में जल चाहिए। नहीं जल मिलना चाहिए भाई, आपको जल नहीं मिलता बराबर। नहीं नहीं मिलता है जल। चलिए कहाँ मिलता है, चलिए आपको हम दिखाते हैं, पानी अभी नहीं करता है नल में, 5 मिनट आता है 24 घंटा में, तो लेटरिन करने जाते हो तो छिछिरिया करने का नौबत आ जाता है। तो ये है भोसरीपुर का हाल, नल जल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं है, है ना? हाँ जैसे ही धोने जाते हैं पानी भाग जाता है। अरे चाचा आप दारू पिए हुए हैं? हाँ हम पिए हैं। अरे लेकिन बिहार में तो दारू बंद है, आप कैसे पिए हुए हैं? आप थोड़ी ना, हम व्यवस्था कर लेते हैं। कौन बेचता है दारू बताइए, अभी उसको हम टेलवाते हैं। काहे बताएंगे, उसका भी घर परिवार है, थोड़ी ना आप अपना काम कीजिए, हम पी लेते हैं ना बस। तो ये है झींगा सहनी, ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं से दारू जुगाड़ कर लेते हैं, आखिर ये दारू कौन बेच रहा है, कौन है दारू माफिया? लगातार फोकस कीजिए कैमरामैन, इसी बात पर चर्चा होगी आज। सर
सुनिए ना सर, जब से दरुआ वाला बतवा पे स्टार्ट किए हैं तभी सर कैमरा का बैटरिया बैठ गया था। हम बीच में सर आपको नहीं बोले हैं कि आपको खराब वराब लग जाएगा कहीं। अब इसमें खराब लगने वाला कौन बात था, चुतिया आ गए आप आए? कितना बढ़िया व्यवस्था वगैरह लगा चाचा के टेलवा के। सर दूसरा बैटरी लगा लेते हैं, दूसरा बैटरी लगा लेते हैं। फिर से एक बार पूछिए ना। झींगा सहनी जी, आप जो दारू पर बात बोले थे आप फिर से बोल सकते हैं? बाप का नौकर है क्या आपका? एक ही बात का 10 बार लौटा गया, नहीं बोलेंगे हम, हम एक ही बात बोलते हैं। जाइए मुठेले रहा कैमरा के। कौन ये साले, तो ऐसा झाट ना उखड़ी साले पापा, एगो हई देना रही तो साले पकड़ा गुरा लगे मर जाबो। बहुत होगा सर जी, चलो ये ना सर लड़ झटाइले तो बोलिए रहे हैं, लेकिन सर एगो पैसा कमाने वाला हम एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। दिखाएं? दिखाओ तो। भाई देखिए एगो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है ओलंपी, ओलंपी ट्रेड। सर इसमें आप सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़ा बड़ा कंपनी में, जैसे कि एप्पल, टेस्ला, अमेजोन और बहुत सारा कंपनी। अच्छा हाँ, और भी बताओ तेरे। इधर सर आपको सिंपल इंटरफेस मिलेगा और एप्लीकेशन का यहाँ आपको बहुत सारा ट्यूटोरियल भी मिलेगा। अच्छा हाँ, और इधर आप 24/7 सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो सर रजिस्टर कीजिए ओलंपी ट्रेड पे और मेरा प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा तो आपको मिलेगा $10,000 का डेमो अकाउंट भी। इधर सर आपको बहुत सारा गिफ्ट भी मिलेगा, तो रजिस्टर कर लीजिए। और आप लोग भी रजिस्टर कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन किया गया उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग भी ट्रेड कीजिए। ए बारा बढ़िया एप्लीकेशन बारे, बहुत बढ़िया है। साला कैमरा चला वाली से इतना जानकारी कहाँ से रख ले बारे रे? तो ये कैमरा चलाते हैं तो इसका मतलब आप हमको गंवार समझते हैं का? हाँ साला तेज बारे, थोड़ा सा तेज बनी। चल ऑटो पकड़े के बाद जल्दी। तो दोस्तों फिर से एक बार पहुँच चुके हैं लालटेनगंज। ये वही लालटेनगंज है जहाँ पे एक गाना बना था लालटेन वाला। ये बिहार का एक मोतिहारी जिला में पड़ता है। यहाँ का लोग वर्षों से लालटेन जला रहे हैं और आज भी लालटेन जलाते हैं। तो चलिए सीधे सरकार के कामकाज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर विकास रोता नज़र आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक विकास हुआ है, यहाँ पर एक बिजली का खंभा लगा हुआ है। मैं कैमरा मैन से दरखास्त करूँगा कि आप पोल पर फोकस करें ऊपर। तो देखा आप लोगों ने, ई है हमनी के बिहार जहाँ पर बिजली के खंभा लागल बा लेकिन तार नहीं खे लागल। तो काथी जरी लमटेन डिबिया मटिया तेल डाल के। ए सर एगो लड़का हुए खड़ा बा, पूछने लियो कि पुलवा कहिया हलर लख न, तो काल परसों में कहीं हलर हो तो रउआ टेला जाए। अब वो एने आओ कहाँ घर हो? ओ चलो सर छोड़, हाई खामो कहिया हलर रही। हमरा अभी पापा के ब्याह का पहले हलर रही। पापा के ब्याह से पहले ही? हाँ। ओ तो बहुत दिन हो गया ना। हाँ। ठीक बा जा। तो रउआ लोग सुनिए ना, ननकी छौड़ा का कलख ओकरा पापा के शादी से पलो ही, यानी कि उछावड़ रख 6-7 साल के। उ 6-7 साल का लड़का था सर, उ नहीं था ना तो 10-12 साल का लड़का था समझे। और यहाँ का लड़का सब ना खाता सर बहुत है, अब बढ़ता ही नहीं है, गुलठिया आ जाता है। आ उससे अभी तनका देर और पूछते ना तो मालूम चलता है कि छोटका लड़का वा के 2-3 गो अभी लड़का है। काथी दो गोलाई बतिया तरह शशि जी, तनका कम दो गोलाई बतिया ना, वो लड़का के अभी लड़का हुई कौन है अभी? ओकर नूनू तो अभी छीमी लेखन हुई, छीमी लेखन। काम करे बड़े काम कर, कैमरा चालू कर। ठीक है सर। तो आप लोगों ने देखा कि ये खामा जो है 10-12 साल से लगा हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पर काम हो, और कैमरामैन से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि चलिए सीधा फोकस रोड पे कीजिए। चलिए लगातार दिखाते रहिए, आइए सीधे आइए। वाह रे भाई, ये है लालटेनगंज का रोड। क्या रोड है शशि जी, बढ़िया से आराम से। शशि जी नीचे देखे चलिए। अरे बाप रे बाप, ये बताइए ये साला रोड है आए, ऐसा पूरा ईंटा उखड़ल है। दिखाइए रोड का, दिखाइए पर्दा फाश कीजिए सरकार के काम काज का। साला ये रोड है हाँ, इसमें राही बोर्ड ही चलता है, गिरेगा तो साला मुंह के साथ साथ साला गारो फाटेगा। और वहाँ पे चाचा दिख रहे हैं, चलिए विकास के बारे में बात करते हैं। चाचा नमस्कार, कल तक भोजपुरी में आपका स्वागत है। खूब खुशी रहा। अब चाचा आप इसी गांव से हैं? हाँ यही गांव के बानी, का कहल चाहता नी? अरे कहने का मतलब है कि हम लोग मीडिया से हैं। अच्छा। जब हम आपके गांव में पहुंचे तो आपके गांव का रोड का हालात बहुत खराब है, और सरकार बोली थी कि आपके गांव में काम हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव में विकास आया था? ना ये सब फेर फेर में हम ना रह ले, हमारा माल जल बा बकरी पठरू बा के आयल ना आयल उससे हमारा कोनो मतलब ना रहल। हम अपने पढ़े दीपर हॉस्पिटल से आई नहीं हाँ।
हमारा सरोजिन का ऑपरेशन अलग विकास कब आवले कब जाले वो सबका फेरफार में हम ना रही। अरे चचा विकास के मतलब रउर गांव में सरकारी काम काज भइल बा। ए हट हट गांव में हमारे